हेलो स्मार्ट यूजर्स, एश हियर। और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आईफोन 8 प्लस के बारे में। तो 2020 में आईफोन 8 प्लस के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, उसका रीज़न है आईफोन SE। जैसे कि एप्पल ने रिसेंटली अनाउंस किया था आईफोन SE और इंडिया में वो लॉन्च हुआ है 42,000 रुपीज़ के साथ में। तो अगर उसके ऑल्टरनेटिव्स के बारे में बात करें, वैसे तो 42,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जिनको आईफोन ही चाहिए, वो एप्पल के इकोसिस्टम में फंस चुके हैं या फिर वो एप्पल से बाहर नहीं जाना चाहते, क्या उनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव है 42,000 रुपीज़ का इंडिया में? तो मैं कहना चाहूँगा जी हाँ बिल्कुल है, और वो ये है आईफोन 8 प्लस। तो आज मैं आपको वो सारे रीज़न बताने वाला हूँ जो बनाते हैं आईफोन 8 प्लस को एक अच्छा ऑप्शन आईफोन SE के आगे, इवन इन 2020। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अभी तक फोन स्पायर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑलरेडी सब्सक्राइबर है तो उस बेल आइकन को दबाइए, और अगर दोनों चीज़ आप कर चुके हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए। सो होप अब तक आप ये सब कुछ कर चुके होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गिव इट अ शॉट। तो ये वीडियो मैं शुरू करूंगा बिल्ड क्वालिटी के पॉइंट के साथ में, और बिल्ड क्वालिटी मैं कहूंगा दोनों ही फ़ोन बिल्कुल ही सेम है। दोनों आते हैं ग्लास सैंडविच डिज़ाइन के साथ में, और दोनों IP67 सर्टिफाइड है। किसी भी फ़ोन में एडवांटेज या फिर डाउनग्रेड नहीं है बिल्ड क्वालिटी को लेकर, दोनों बिल्कुल ही सेम है। तो एप्पल की जो प्रीमियम फील होती है वो दोनों ही फ़ोन में बिल्कुल सेम है। मटेरियल चॉइस भी यहाँ पे बिल्कुल सेम है, दोनों में बिल्कुल सेम मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया गया है। आईफोन SE 2020 का जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट था वो थी उसकी डिस्प्ले। लेकिन मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्हें ये बीजल्स बुरे नहीं लगते, और अगर आप इन बीजल्स के साथ में रह सकते हैं तो मैं ये कहूँगा आईफोन 8 प्लस की जो डिस्प्ले है वो मोर देन डिसेंट है। लेकिन अगर बात करें आईफोन SE के कंपेरिजन में ये कितनी अच्छी है, तो मैं ये कहूँगा आईफोन SE की जो डिस्प्ले है वो इसके अगेंस्ट तो यहाँ पे स्टैंड भी नहीं करती, क्योंकि आईफोन 8 प्लस में है प्रॉपर फुल HD 1080p डिस्प्ले जो बनाती है उसकी डिस्प्ले डेंसिटी को 401 PPI, 401 PPI डेंसिटी की डिस्प्ले है आईफोन 8 प्लस में, और जहाँ की आईफोन SE में स्लाइटली अबव देन 720p डिस्प्ले है, और उसकी जो पिक्सल डेंसिटी वो है 326 PPI। और अगर आप सोच रहे होंगे ये तो सिर्फ नंबर्स है, क्या रियल लाइफ में कोई फर्क पड़ता है इससे, तो मैं कहूंगा मैं क्लियरली डिफरेंस बता सकता हूँ आईफोन SE 2020 और आईफोन 8 प्लस की डिस्प्ले के बीच में। और सिर्फ मैं ही नहीं, और भी काफी लोग हैं जो इनके डिस्प्ले में इजीली डिफरेंस बता पाएंगे रेजोल्यूशन को लेके। और अगर ब्राइटनेस की बात करूं तो आउटडोर्स में आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, काफी अच्छी ब्राइटनेस है इस फोन की, और अगर मैं टेक्निकली बोलूं तो 600 निट्स से ऊपर की ब्राइटनेस है, तो ये बुरा नंबर नहीं है, और ये काफी ज्यादा डिम हो जाती है जैसे आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो अगर आप नाइट यूजर है, आप लेट नाइट तक यूज करते हैं अपना फोन, तो आपको ये चीज काफी पसंद आएगी, काफी ज्यादा डिम हो जाती है इसकी डिस्प्ले। बाय द वे, अगर आपको इसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस कम लग रही है तो मैं आपको बता दूं ये जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहाँ पे काफी ज्यादा इंटेंसिटी है लाइट्स की, इस वजह से आपको इसकी ब्राइटनेस मैक्सिमम थोड़ी कम लग रही होगी, क्योंकि यहाँ पे काफी हैवी लाइटिंग मैंने यूज कर रखी है। बाकी जनरली बोलूं तो आउटडोर विजिबिलिटी को लेकर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इतना आप समझ लीजिए आईफोन 8 प्लस को लेकर। और जैसा कि मैं डिस्प्ले की बात कर रहा था, तो डिस्प्ले से रिलेटेड एक फीचर ऐसा है आईफोन 8 प्लस में जो आईफोन SE में है ही नहीं और न्यू आईफोन्स में भी नहीं है, वो है 3D टच। मैं जानता हूँ एप्पल और कुछ यूट्यूबर्स ने आपको यकीन दिला दिया होगा कि 3D टच यूजलेस है, लेकिन ऐसा नहीं है, और वो क्यों मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल के साथ में। कुछ टाइम पहले मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाई थी आईफोन 10S को लेके, और उसके एडवांटेज पॉइंट में मैंने बोला था 3D टच। मैंने उस वीडियो में बोला था कि एप्पल गलत था 3D टच को लेके, और 3D टच को डिस करने का जो एप्पल का डिसीजन था वो गलत था, क्योंकि 3D टच रियली एक यूजफुल फीचर था। और उस वीडियो के 2-3 दिन बाद MKBHD ने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाई आईफोन 11 प्रो को लेके, और उसमें उन्होंने भी यही बात बोली 3D टच एक यूजफुल फीचर था, वो कोई यूजलेस फीचर नहीं था और वो कंटिन्यू रहना चाहिए था। तो मैं ये नहीं बोला कि MKBHD ने मेरी वीडियो देखी उसके बाद उन्होंने ये बात बोली, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि ये मेरा अपना पॉइंट था, मैंने किसी दूसरे यूट्यूबर को देख के ये बात नहीं बोली, मेरा खुद का पॉइंट था। और MKBHD ने भी अगर यही बात बोली तो मतलब मैं सही था, 3D टच रियली एक यूजफुल फीचर था। तो 3D टच एक काफी बड़ा प्लस पॉइंट है आईफोन 8 प्लस के लिए ओवर आईफोन SE। सो स्मार्ट यूजर्स, अब आप सोच रहे होंगे आईफोन 8 प्लस के ड्रॉबैक्स क्या है, क्योंकि आईफोन SE एक्सपेंसिव है आईफोन 8 प्लस के आगे, आईफोन SE न्यू भी है आईफोन 8 प्लस के आगे, तो कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक्स होंगे आईफोन 8 प्लस के। तो मैं बता देता हूँ सिर्फ दो है, और वो भी मेजर नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये कैसे है। तो सबसे पहला ड्रॉबैक जो हर कोई बोलेगा वो है परफॉर्मेंस को लेके, और वो मेजर ड्रॉबैक यहाँ पे क्यों नहीं है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आईफोन 8 प्लस आता है एप्पल A11 बायोनिक चिप के साथ में, और आईफोन SE आता है A13 चिप के साथ में, तो ऑन पेपर ये काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक या फिर काफ़ी बड़ा डिफरेंस लगता है दोनों फोन्स के बीच में।
लेकिन वो है नहीं, क्योंकि जो डे टू डे यूसेज है उसमें तो कोई फ़र्क आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। इस टाइम पे दोनों फ़ोन रन कर रहे हैं iOS 13 पे, और जंपिंग बिटवीन एप्स और UI एक्सप्लोर करते टाइम यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलता परफॉर्मेंस को लेकर दोनों ही फ़ोन्स में। जो ट्रांजिशंस हैं, एनिमेशन है, फ्रेम रेट्स हैं, वो बिल्कुल स्टेबल रहते हैं दोनों फ़ोन में और काफ़ी स्मूथ रहते हैं। तो मल्टीटास्किंग को लेके, ऐप स्विच करने को लेके, बैकग्राउंड ऐप्स को लेके इसमें कोई भी डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है परफॉर्मेंस में। A11 बायोनिक और A13 के बीच में अगर कहीं डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो तो है गेमिंग। गेमिंग में आपको ये परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को मिल सकती है, लेकिन वो जो एडवांटेज है वो A13 चिप की है, iPhone SE की नहीं है। iPhone SE की जो बैटरी है वो है 1800 mAh की। तो जब भी आप कोई ऐसा टास्क करेंगे जिसमें उसका CPU यूटिलाइज होगा तो उसकी बैटरी काफ़ी जल्दी जल्दी ड्रेन होने लगेगी, तो उस पावर का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि जो बैटरी है वो उसके बिल्कुल अनयूजेबल हो जाती है ऐसे टास्क में जहाँ पे उसका CPU यूटिलाइज हो रहा है। तो उस पावर का क्या फ़ायदा हुआ जब आप उसे यूज़ ही नहीं कर पा रहे सही से। और एग्जांपल के लिए अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं, पबजी को एग्जांपल ले लो, तो आप मुश्किल से उसे 2-2.5 घंटे ही खेल पाएंगे उसकी बैटरी के साथ में। वैसे तो 2-2.5 घंटे कम नहीं है, लेकिन आपकी फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड हो जाएगी और आप कुछ और यूज़ नहीं कर पाएंगे उसमें। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ ऐसी परफॉर्मेंस का? iPhone 8 Plus की भी बैटरी कोई इतनी खास नहीं है, लेकिन यूज़ेबल है। आप अगर हैवी टास्क करते हैं उसमें तो उसके बाद भी आपका फ़ोन यूज़ेबल रहता है। तो ये एक पॉइंट है जो मुझे काफ़ी ज़रूरी लगा बताने के लिए। और iPhone 8 Plus का दूसरा ड्रॉबैक है यहाँ पे सॉफ्टवेयर सपोर्ट। तो Apple के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से Apple के हर फ़ोन को 5 साल तक की सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलती हैं, और जैसे कि iPhone 8 Plus 2017 में आया था तो अब उसके अपडेट्स के 3 साल बचे हैं, और iPhone SE इसी साल आया तो उसे अगले 5 साल तक और अपडेट मिलने वाली है। लेकिन ये ड्रॉबैक मेरे लिए मेजर इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी इस टाइम पे iPhone 8 Plus लेगा वो बड़ी मुश्किल से यूज़ करेगा आने वाले 5 साल तक उसे। तो 3 साल तक का अगर सपोर्ट मिल रहा है तो बहुत है। इवन इस टाइम पे अगर आप एंड्रॉइड की तरफ जाएंगे, जैसे सैमसंग ने अभी अनाउंस करा है वो 3 साल तक सपोर्ट करने वाला है अपने फ़ोन्स को, तो वो एक्सटेंड होकर 3 साल है, वरना अब तक वो सिर्फ 2 साल तक ही सपोर्ट दे रहा था। तो 3 साल का सॉफ्टवेयर सपोर्ट कोई इतना बुरा नहीं है, और इसीलिए ये कोई मेरे लिए मेजर ड्रॉबैक भी नहीं है। कैमराज को लेके मैं यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा जो प्राइमरी लेंस है दोनों फ़ोन में वो बिल्कुल सेम है 12 मेगापिक्सल का, ये एक ही हार्डवेयर है। लेकिन iPhone SE के जो न्यू चिपसेट है A13, उसकी ISP की वजह से वो स्लाइटली बेटर पिक्चर कैप्चर कर सकता है। लेकिन iPhone 8 Plus में यहाँ पे सेकेंडरी 12 मेगापिक्सल ऑप्टिकल जूम लेंस भी है, जिसके वजह से उसके पोर्ट्रेट मोड काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाते हैं iPhone SE के आगे। तो दोनों में एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज है, तो आप चूज़ करिए आपकी प्रायोरिटी क्या है। लेकिन जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है कैमराज का वो दोनों का सेम रहने वाला है। सो स्मार्ट यूजर्स, ये मैंने आपको अपने रीजंस बता दिया क्यों मुझे iPhone 8 Plus एक अच्छा ऑप्शन लगता है iPhone SE के आगे, और आप मेरी जिस बात से अग्री करते हैं या फिर जिस बात से डिसअग्री करते हैं वो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, साइन अप करते हैं आज के वीडियो को। बी स्मार्ट, स्टे स्मार्ट।